2000 की नोटबंदी के फैसले से डॉक्टर, मेडिकल स्टोर संचालक, कपड़ा, चूड़ी आदि विक्रेता सहित अधिकतर व्यापारी खासे खुश हैं। व्यापारियों के बीच से ये तो बातें भी निकल कर आ रही हैं कि 2000 की नोट के साथ ही 500 रुपए का नोट भी बंद करा दिया जाए, सिर्फ 100 रुपए का नोट चलन में रखा जाए। इससे जमाखोरी और घूसखोरी पर काफी हद तक रोक लगेगी। यहां तक 2000 के नोट की बात तो वो पिछले कई महीनों से बाजार में खोजने से भी नहीं मिल रहा था। व्यापारियों का इस नोटबंदी का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर व्यापारी पहले से ही ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। नोटबंदी का असर तो मंत्री, नेताओं और बड़े लोगों पर पड़ेगा। इंडिया के एलिया संवाददाता शेर सिंह ने खाद विक्रेता विश्वपाल सिंह, चूड़ी विक्रेता इकबाल हुसैन, इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायी कल्पना सिंह, बेकरी व्यवसायी नवशाद अहमद व दवा विक्रेता दिनेश कुमार सिंह और इंटरलॉकिंग ईट निर्माता विवेक कुमार सिंह से 2000 की नोट को बंद किए जाने के RBI के फैसले पर उनकी राय जानी। आप भी सुने वह क्या बोले। ये बहुत अच्छा है, इसमें 2000 नोट बड़े लोग दबाए बैठे तो अब जो है सबको निकालना पड़ जाएगा। अपने पास रखे हुए हैं, कम उसमें स्पेस में ज्यादा मनी आती है, इसलिए रखे हुए हैं, अपना निकाल के हम बाहर कर देंगे। बहुत अच्छा निर्णय, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जो है फैसला आया 2000 का नोट पहले से देखने को नहीं मिल रहा, इससे जो है फायदा होगा। और जो नोट लोग छुपा के रख रहे थे हमारे घर में आ नहीं रहा, तो उससे जो है करप्शन का बढ़ावा मिला। हमारे हिसाब से 500 का भी नोट बंद होना है, 2000 रुपये का नोट चले और ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर हो और वही चलता है, इससे जो है करप्शन के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। ये हमें तो फैसला बहुत अच्छा लगा। ये जो है जो समय लिया है 1 सितंबर का, ये दो ढाई महीने का समय, 3 महीने का समय, 3 महीने ये समय भी जो है सही दिया है। और जो है ये इससे आम जो है जो है हम लोग हैं व्यापारी लोग, इन लोगों को जो है 3 महीने समय बहुत, और ये इस फैसले जो ये बहुत सही होगा आगे का, इससे जो है जितना जो है रखा है ये सब बड़े बड़े जो है ये ठेकेदार और जो है ये नेता लोग हैं जैसे, इसके बाद सब जो है और व्यापारी जो बड़ा जितना है ये सब काला धंधा सब जो काले धन के अपने रखते हैं, ये सब अपने पास बड़ी नोट है, अरे निकल के बाहर आ गए सब, तो इसलिए तो सही है सर। व्यापारी भी सही और जनता भी तो सही है। ये नहीं पड़ रही थी। अभी सब बड़े बड़े लोगों के पास जमा हो गई दोनों, अब जो है बंद कर दी सरकार ने, सही काम किया। बहुत स्वागत योग्य है फैसला, क्योंकि जितना ये जितनी बड़ी नोट है ये सब नेताओं अधिकारियों के कदम का है, कहीं देखने नहीं मिलेगी। बैंक जाओ केवल 500 का नोट दिखाई देता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हम तो चाहते कि 100 का नोट चले बस और सब बंद हो जाए, जितना भी लेन देन हो सब ऑनलाइन हो, ये हमारा कहना। अच्छा है, कुछ पहले आप 2000 की नोटें देखने को मिल रही हैं और पहले से चेक रख ली गई हैं और जो है हम पास पहले भी नहीं आ रही, ऑनलाइन पेमेंट भी हो रहा है, तो हमारे साथ फैसला बेहतर है ऑनलाइन नोट बंद करने से, कोई हम नोट नहीं पहले 500 है वो 1000 की नोट हमारे ख्याल से चली। नोट का कल फैसला जो है RBI का, ये फैसला कैसा है? देखिए आप जिस हिसाब से अगर आप पूछ रहे हैं तो ये एक तरीके से करेक्शन के लिए तो बहुत अच्छा है। जो लोगों को जो है जमाखोरी करते हैं, धन पर जो है एक साथ संचित कर लेते हैं और घूस के रूप में भी बहुत बड़ी नोटों का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया था, उस पर रोक लगेगी। 2000 की नोटबंदी ठीक हुई है, एक लिहाज से ये भी देखा जाए तो आपने जो टैक्स का पैसा था वो आपने जो नोट का प्रचलन चालू करने में जो खर्च किया है वो एक लिहाज से घूमी ठीक है।
लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये फैसला बहुत गैज है और सही भी है। मेरे ख्याल से गरीब आदमियों के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो 2000 की नोट जो है बड़े लोगों के पास ही होती है, बड़े बड़े नेताओं के पास होती है, बड़े बड़े मंत्रियों के पास होती है। बाकी जो है गरीब आदमियों के पास 2000 का नोट वो देखने को नहीं पा रहे हैं, बैंकों में देखने को नहीं मिल रहा है, ATM में देखने को नहीं मिल रहा है। तो गरीब आदमियों के ऊपर कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा ख्याल है 20% और 25% बड़े लोगों के पास ही इसका जो एकत्र करके रखे हैं उन्हीं के ऊपर इसका आता है। तो फैसला सही हुआ बिल्कुल। RBI जो करती है वो अच्छा करती है, हम लोगों के जो है उसमें जो है हक में अच्छा हुआ। बड़े लोगों के पास जो पैसा रखा हुआ है वो बाहर निकल के आए, जिससे कि जो है समाज के लोगों का जो है छोटे समाज के लोगों का बिल्कुल। सरकार जो फैसला करने जा रही है तो कदम उठाती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ बेहतरी ही होती है, बेहतर के लिए ही किया जाता है। तो जाहिर बात है जो कोई चीज़ है तो उसमें कोई पॉजिटिव मूव भी हो, और जो मकसद है कि करेंसी जो भी करेंसी है या 2000 करोड़ प्रचलन में नहीं है, तो उसके कई कारण हैं। तो नंबर एक तो ये हो जाएगा कि जो छुपी हुई करेंसी होती है जिसको लेके हमेशा एक सस्पेंस बना रहता है, वो चीज़ आउट हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, ये भी एक सही तरीका है। दूसरी बात ये कि 2000 का नोट आम पॉपुलेशन में यूज़ करना उतना आसान नहीं होता, तो थोड़ा सा अगर उसको कम नॉमिनेशन का फोन नोट आता है जैसे 1000 का आएगा तो थोड़ा सा यूज़ करने में काम नहीं हो जाएगा। तो दोनों ही कोशिश देखा जाए तो मैं सोचता हूँ एक अच्छा मिल जाएगा, जो बहुत अच्छा ही मोह कहा जाएगा अगर सही से क्रियान्वित हो जाता है तो बेहतर है। बड़ा मोहन बड़े लोग जब वो चलन में आता नहीं तो इससे क्या फायदा है? नोट करने से चलन चलाने से क्या फायदा है? करने से बहुत अच्छी बात है, छोटा नोट चलेगा, हर व्यक्ति के पास इतना पैसा होगा, जितनी आवश्यकता होगी उतना वो खर्च करेगा। कम से कम उसको गोदाम में या हमें जो है कि हाँ गोदाम ही कर लीजिए, अलमारी कर लीजिए, कहीं भी उसको वो एकत्रित करके बंद करके रखेगा तो नहीं, बहुत अच्छी बात है। छोटी नोट चलेगी, बड़ी नोट बंद होगी। 2000 ये फैसला कैसा है? बहुत अच्छा। ये भाई गरीब आदमियों के पास तो पैसा रहता नहीं, बड़े लोगों के पास है, तो इससे कोई फायदा थोड़ा था। ये 2000 बहुत अच्छा है, बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। ठीक है, मतलब और कोई इसके बाद नोट चलानी चाहिए? अरे ये गवर्नमेंट अपनी वो है, जैसा चाहे वैसा करे, लेकिन ये 2000 नोट बंद हुआ है, बहुत अच्छी बात है। 2000 के नोट बैंकों को वापस किए जाने का सर्कुलर जारी होने के बाद महानगरों में बड़े शहरों की बाजारों और बैंकों में भले ही अफरा तफरी जैसा माहौल हो, लेकिन नगरों और कस्बों में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। आई इंडिया के एलिया रिपोर्टर शेर सिंह ने ब्लॉक एलिया क्षेत्र के किसान योगेंद्र सिंह, रुद्रपाल सिंह, डॉक्टर अरीशा खान, कपड़ा विक्रेता सद्दाम हुसैन, किराना व्यवसायी समीर अहमद और शिक्षक आलोक कुमार सिंह से उनकी राय जानी, तो सभी ने फैसले को सही करार देते हुए क्या कहा, आप भी सुने। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन, महमूदाबाद, सीतापुर। यूपी बोर्ड परीक्षा फल में सीता ग्रुप के परीक्षार्थियों का रहा शानदार परीक्षा फल। हाई स्कूल में होनहार छात्रा प्रियांशी सोनी ने किया यूपी टॉप। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।